सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस वीडियो पर आने पर। आज का जो टॉपिक है वह नए यूट्यूबर्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे वीडियो का एक सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो होती है उसकी आवाज़। आपने एक अच्छी वीडियो बनाई सुपर क्वालिटी के साथ, उसको टाइम लगाकर आपने एडिट भी किया, लेकिन उसमें आवाज़ क्लियर नहीं है, बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है और लाउड भी कम है। तो मेरे प्यारे ऑडियंस, सबसे पहले तो आप इस वीडियो में जो आवाज़ सुन रहे हैं यह मेरे फ़ोन से ही रिकॉर्ड हुई है। अगर आप ही ऐसे ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो अपने फ़ोन से वीडियो में बने रहें। देखो, वैसे तो चीज़ों के लिए महंगे इक्विपमेंट बने हुए हैं जो आपको पलक झपकते ही सुपर क्वालिटी वॉइस रिकॉर्ड करके दे देते हैं, लेकिन यूट्यूब की जर्नी में शुरुआत जब हम करते हैं तो अपने फ़ोन से ही करते हैं। उस टाइम हमारे पास मनी प्रॉब्लम बहुत होती है, जिससे हम महंगे माइक नहीं खरीद सकते। तो आज अपने फ़ोन को ही सुपर क्वालिटी प्रोफेशनल स्टूडियो जैसी आवाज़ रिकॉर्ड करने वाला माइक बना देते हैं। इसके लिए आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन होना चाहिए। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है वैसे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, बिना स्किप किए एक भी स्टेप को मिस ना कीजिएगा। अब आपको माइक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि A1 एडवाइस आपके लिए ऐसा तरीका जो लेकर आया है। तो क्या आपको पता है कि अगर आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन है तो आप कैसे स्टूडियो से भी बेहतर आवाज़ क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हैं? हाँ, ये सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अभी आप तब सामने देखेंगे तो भरोसा भी कर पाएंगे। आपको सिर्फ दो सिंपल स्टेप करने हैं। वीडियो को बिना स्किप करे दोनों स्टेप को अच्छी तरह से जान लेते हैं। तो पहला स्टेप है रिक एफ ऐप को डाउनलोड करना है। एक बहुत ही आसान और फ्री एप्लीकेशन है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने स्मार्टफोन से सुपर क्लियर आवाज़ क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वैसे तो आप अपने डिफ़ॉल्ट ऑडियो रिकॉर्डर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन इस एप्लीकेशन में और आपके डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर में ज़मीन आसमान का अंतर है। अभी आप यह बात नहीं मानेंगे, लेकिन तब आप अपने फ़ोन में इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप यह बात अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चलिए, अगर आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया तो आपको इस ऐप पर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है। जब आपकी वॉइस रिकॉर्ड होकर तैयार हो जाए तो आपको इसे अपलोड करना है। कहाँ? चलिए दूसरे स्टेप में बताते हैं। दूसरा स्टेप शुरू होता है एडोब पॉडकास्ट पर अपलोड करना। मुझे बताया कुछ लोगों को एडोब पॉडकास्ट का पता नहीं होगा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल गूगल पर जाकर आपको एडोब पॉडकास्ट लिखना है। वहाँ पर आपको जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करना है। इस वेबसाइट पर चले जाना है। यह एक अनलिमिटेड फ्री टूल है, अभी तो फ्री है, आगे के लिए नहीं बता सकते। तो यहाँ पर जाकर आपको अपनी ऑडियो को अपलोड कर लेना है और इंतज़ार करना है 1 से 2 मिनट का। मिनटों में आपकी ऑडियो एनहेंस होकर तैयार हो जाएगी। अभी आप अंतर देख सकते हैं कितना डिफरेंस इन दोनों में आ चुका है। दोस्तों, अगर आपकी वॉइस में लाउडनेस कम है तो आप इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो आपकी वॉइस को लाउड भी कर देती है। आप किसी भी फ्री वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इस तरीके में इस्तेमाल होने वाले कुछ टूल्स और तरीके भी बता देता हूँ। दोस्तों, मेरी तरफ से एक आपके लिए राय है जिसे आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। देखो, अपनी पूरी वीडियो को एडिट करने के बाद आपको बिना बैकग्राउंड म्यूजिक लगाए इसकी ऑडियो को वीडियो से एक्सट्रैक्ट करना है, अलग करना है। उसके बाद आप इस तरीके को अपना सकते हैं, ऑडियो को दोबारा से लगा सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको जहां पर वीडियो में कट लगाने हैं और उसके बाद ऑडियो को एनहेंस करें, सो अपने स्मार्टफोन को स्टूडियो जैसी आवाज़ क्वालिटी में रिकॉर्ड करने का मौका मत छोड़िए। अगर आप एक माइक खरीदने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, यह तरीका जरूर अपनाइएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने में हमारे कुछ ही सब्सक्राइबर की कमी है, तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं और आगे आपसे वादा करते हैं जर्नी में बने रहने का। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।